नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया में। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने करीब 15 साल तक टीम इंडिया के लिए खेला और इस दौरान इंडियन क्रिकेट फैंस को गर्व करने के कई मौके दिए। क्रिकेट इतिहास के महानतम कप्तानों में से एक और सर्वश्रेष्ठ फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अब टीम इंडिया की जर्सी में धोनी कभी मैदान पर नहीं उतरेंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फैंस को एक वीडियो के जरिए दी। पूर्व कप्तान ने बिना विदाई मैच खेले ही संन्यास लेने का फैसला लिया। उनके फैंस चाहते थे कि जब उनके कैप्टन कूल रिटायर हो तो उनको मैदान पर शानदार विदाई मिले। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस महान खिलाड़ी को अपने अंदाज में विदाई दी है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आईसीसी ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें धोनी का पूरा करियर दिखाया गया है। आईसीसी ने अपने ट्विटर पेज पर धोनी को 3 मिनट का शानदार वीडियो शेयर किया है। इसमें उनके जीते गए तीनों आईसीसी ट्रॉफी के यादगार लम्हे हैं। धोनी की बिजली सी तेजी से किए गए स्टंपिंग है और उनके लगाए गए विश्व कप 2011 का वो छक्का जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा, वो भी शामिल किया है। इतना ही नहीं, ट्विटर पेज पर कवर फोटो भी महेंद्र सिंह धोनी की ही लगाई गई है, जिसमें 2007 T20 विश्व कप, 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी और 2011 के वर्ल्ड कप विश्व कप की ट्रॉफी के साथ धोनी नजर आ रहे हैं। बता दें कि धोनी क्रिकेट इतिहास में दुनिया के एकमात्र कप्तान हैं जिनके नाम आईसीसी के तीनों बड़े खिताब जीतने की उपलब्धि है। बता दें, धोनी ने भारत की तरफ से 90 टेस्ट में 4,876 रन बनाए जिसमें 6 शतकीय पारी शामिल थी। वहीं 350 वनडे में उनके नाम 10,773 रन है। वनडे में धोनी ने 10 शतक लगाए हैं। T20 मुकाबलों की बात करें तो उन्होंने 98 मुकाबलों में 1,617 रन बनाए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।